अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज द वर्क लर्नर लर्निंग स्टाइल, हाउ द स्टूडेंट लर्न इन द क्लासरूम एंड हाउ द टीचर यूज देयर स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द क्लासरूम लर्निंग। सो टुडेज टॉपिक इज़ अ वर्क लर्नर। वर्क मीन्स विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग एंड किनेस्थेटिक लर्नर। Mostly students are kinesthetic learner because they learn by doing some work, they learn by doing physical activities, and they learn by doing activities. So in this topic, first of all, we learn about visual learner. अब विजुअल लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या होते हैं? सबसे पहले जो विजुअल लर्नर का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छा इन इस तमाम पीपीटीज के अंदर जो है वो आपको तीन चीज़ें आपको पता चलेंगी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आप क्लासरूम में उनकी स्ट्रेटजीज किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और उनके रिसोर्सेज आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं उन लर्नर्स के लिए जो कि एक स्पेसिफिक लर्निंग टाइप से बिलोंग करते हैं। नंबर वन इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, सी वर्ड रिटन डाउन, जो वर्ड्स वो लिखे हुए देखते हैं और उनको जो है वो नोट डाउन करते हैं। अगर वो नोट डाउन नहीं करेंगे तो ये लर्निंग नहीं कर सकते। मोस्टली स्टूडेंट्स आपने क्लास में देखा होगा कि वो लेक्चर से नोट डाउन कर रहे होते हैं, लेक्चर जो है वो नोट डाउन कर रहे होते हैं, तो ये लर्नर जो हैं वो आपके पास विजुअल लर्नर होते हैं। नंबर सेकंड इनका जो पॉइंट है, अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन बेस्ट एंड व्हेन दे सी इट, जब तक वो देख नहीं लें जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आइदर टीचर वाइट बोर्ड के ऊपर जो है कोई वर्ड लिखते हैं, या टीचिंग एड्स अपने यूज़ करेंगे बच्चों को दिखाने के लिए, या उन वो अपनी बुक से वर्ड उनको मेंशन करेंगे कि ये वर्ड है, तो जब तक वो बच्चा जो है वो लर्न, स्टूडेंट जो है वो लर्न नहीं कर सकते। द थर्ड इज़ ऑब्जर्व ऑल फिज़िकल एलिमेंट इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में मौजूद वो हर फिज़िकल एलिमेंट को वॉच करते हैं। लाइक अगर आप कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं साइंस का जिसके अंदर आप उन बच्चों को ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, तो वो जब तक स्विच को नहीं देख लेगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्विच आप उसको दिखाएंगे और साथ में बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी से जो वर्किंग हो रही है, जो चीज़ें चल रही है लाइक बल्ब, फैन एंड इन द क्लासरूम, तो वो बच्चा जो है वो उससे उन चीज़ों से लर्निंग जो है वो ज़्यादा करेंगे। द थर्ड इज़ केयरफुल ऑर्गेनाइज योर लर्निंग मटीरियल, वो अपने ऑर्गेनाइज लर्निंग मटीरियल को जो है वो केयरफुली देखते हैं। प्रीफर फोटोग्राफ्स, वो फोटोग्राफ्स देख के भी जो है वो विजुअल है, फोटोग्राफ्स देख के जो है वो अच्छे से जो है वो लर्निंग कर सकते हैं उस फोटोग्राफ को देख के। नाउ अब टीचर्स जो है वो कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करेंगे क्लासरूम में, सबसे पहले इंटरेस्टिंग विजुअल मटेरियल इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट, आप सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो है ना विजुअल मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करें। अब वो किस टाइप के मटेरियल होंगे ये हम रिसोर्सेज में देखेंगे। देन आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ड्यूरिंग लेसन इंश्योर करें कि ऑडिटरी लर्नर आर इन अ पोजिशन टू हियर वेल, अच्छा आप जो है वो प्रेजेंटेशन के दौरान ये ज़रूर देखें जो आपके ऑडिटरी लर्नर हैं वो वेल हों, क्योंकि विजुअल लर्नर जो है वो जाहिर सी बात है वो देख तो रहा है लेकिन उसको सुनना भी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट, मेक फुल यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, टीवी, फोटोग्राफ, इंटरनेट एंड कंप्यूटर एंड वीडियो कैमरा, आप जो हैं वो इन चीज़ों का क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू आप बच्चों को वीडियो दिखाएं, ठीक है, आप उनको जो है वो ये तमाम चीज़ों के थ्रू जो है वो विजुअल लर्नर जो है वो लर्न करते हैं और स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस तरीके से यूज़ होती हैं। अब इनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज ज़रूर किन किन चीज़ों की नीड होती है रिसोर्सेज में, बच्चों के डायग्राम्स होने चाहिए या आप ग्राफ के थ्रू बच्चों को जो है वो लर्निंग करवाएं, स्लाइड शोज होनी चाहिए आपकी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बच्चों को दिखाएं, क्योंकि जब तक बच्चा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नहीं करेगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो विजुअल लर्नर है। आप पोस्टर्स दिखा दें, लाइक अगर आप कोई एयर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपने एयर से रिलेटेड जो है वो एक पोस्टर दिखाया उनको। अट्रैक्टिव टीचिंग एड्स, कलरफुल टीचिंग एड्स होने चाहिए आपके टीचिंग एड्स में, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको, सपोज आपने कोई मैथ्स का टॉपिक ले लिया तो आप उससे रिलेटेड जो है वो
कोई भी चीज़ आप दिखा, फ्लैश कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं मूवीज़ और वीडियोस, लाइक अगर आप कोई फिज़िक्स टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उनको बच्चों को छोटी सी क्लिप्स दिखा दें कि किस तरीके से जो है वो मशीन, सिंपल मशीन वर्क करते हैं। अगर टॉपिक आपका सिंपल मशीन है तो आप उनको इस तरीके से जो है वो लर्निंग करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑडिटोरी लर्नर। अब इन ऑडिटोरी लर्नर कौन होते हैं, जो सुन के लर्निंग करते हैं, क्या करते हैं वो सुनकर लर्निंग करते हैं। उनके लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे पॉइंट आपको जब आप अपनी टीचिंग में यूज़ करेंगे तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखने, क्योंकि क्लास में बहुत सारे वैसे लर्निंग स्टाइल होते हैं लेकिन बेसिकली ये फोर लर्निंग स्टाइल क्लास, हर क्लासरूम में जो है वो ये स्टूडेंट मौजूद होते हैं। नाउ द नंबर वन इज़ रिमेंबर व्हाट दे से व्हाट अदर से वेरी वेल। अब वो लर्नर जो है ना सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और दूसरे क्या कह रहे हैं उस बारे में, ये वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आपने उनको कोई वर्बल इंस्ट्रक्शन दे दी, वो उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अच्छा, नॉइस जो है वो उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगी और साइलेंस भी उनको जो है वो करेगी, ठीक है। मतलब वॉइस उनको शोर हो रहा होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो ऑडिट सुन नहीं पा रहे ना बात को। अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन बेस्ट व्हेन दे हियर इट, और जब तक वो सुन ना ले वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे लर्नर क्लास में वो लर्नर होते हैं जो क्लास में बहुत ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो लर्नर जो हैं वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं क्योंकि वो सुनकर बहुत कुछ सीख लेते हैं और ऐसे स्टूडेंट बहुत जो है वो कम होते हैं। अच्छा, इनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज आप कैसे यूज़ करेंगे, इनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है वो आप सबसे पहले रीफ्रेस कर देंगे पॉइंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको पॉइंट बता देंगे, और स्पीड, वॉल्यूम और अपनी पिच का जो है वो ध्यान रखेंगे कि आपकी पिच लाउड हो, वो बहुत आसानी के साथ सुन सकें, आपका वॉल्यूम जो है सीक्वेंस में हो और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड ना हो कि बच्चा जो है वो आपके वर्ड्स को अंडरस्टैंड ना कर सके। राइट डाउन द की पॉइंट्स वर्ड्स टू हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन ड्यू टू प्रोनंसिएशन। आप जो है वो वर्ड्स लिखें और उनकी प्रोनंसिएशन में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देन इनके रिसोर्सेज क्या होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। अच्छा, ये लर्नर वो भी लर्नर होते हैं लाइक अगर आप मैं बात करूँ जो कि विजुअल इम्पैक्ट लोग होते हैं जो कि आँखों से देख नहीं सकते तो वो सुनकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आप ओरल रिपोर्ट्स होती हैं, इनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डिंग, मतलब आप उनको कोई ऑडियो सुना दें, ऑडियो सुन के वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। टीचर क्लासरूम और अ ग्रुप, ग्रुप में आप उनको कोई एक्टिविटी करवाएं, डिबेट करवा दें, वर्बल गेम्स करवा दें, लाइक इंग्लिश की जो आप गेम ले लें, स्पेलिंग के गेम्स होते हैं, तो इस तरीके से आप इनको जो है वो इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पोएम है, म्यूज़िक में जो बच्चे सुनकर, आपने देखा होगा प्री, अच्छा ज़्यादातर ये प्री में यूज़ आप कर सकते हैं, आप प्री क्लासेस में आपने देखा होगा बच्चे जब एक साथ पोएम को रिम में पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी पोएम जो है वो लर्न कर लेते हैं। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स री राइट लर्नर। अब री राइट लर्नर में इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, री राइट लर्नर, आपको वर्ड से ही अंदाज़ा हो रहा होगा री राइट लर्नर क्या है, दे यूज़ वर्ड रिटन टेक्स्ट, इनको जो है वो रिटन टेक्स्ट में चाहिए होता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी टेक्स्चुअल फॉर्म में होती है, इनके ये नोट्स टेकर होते हैं, ये अपने नोट्स बनाते हैं और उसको बार बार रीड करते हैं। देन रिकॉर्ड फ्रॉम लेक्चर इन नोट्स एंड हैंड आउट, ये हैंड आउट से जो है वो लेक्चर नोट कर रहे होते हैं और हैंड आउट जो उनके होते हैं वो उनसे जो है वो अपने लेक्चर देखते हैं। अपने आप उनको इनकी एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, गुड होती है, वेल होती है एंड आइडियल इन रिटन फॉर्म, और उन अच्छे से वो लिखते हैं क्योंकि ये रीड भी कर रहे होते हैं और साथ साथ राइट भी कर रहे होते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो इनकी जो है वो स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इनके लिए जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो यूज़ होती हैं वो कौन सी यूज़ होती हैं, वो यूज़ होती हैं वाइट बोर्ड टू राइट द की पॉइंट्स। आप अपने बोर्ड के साइड पे जो है वो इनके की पॉइंट्स नोट डाउन कर दें और लिख दें कि फर्स्ट में आपने ये करवाया, लाइक अगर आप मैथ से कोई स्टेप बता रहे हैं तो आपने लिखा सबसे पहले हमने डिमास रूल फॉलो किया, देन हमने डिमास रूल फॉलो करने के बाद हमने देखा कि कौन सी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हमने उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ पर नोट डाउन कर दें। अच्छा, डेवलप रिटन असाइनमेंट्स, इनको जो है वो रिटन असाइनमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, रेफर टू रिटन टर्मिनोलॉजीज ड्यूरिंग अ लेसन, इनको जो है वो रिटन टर्मिनोलॉजीज बताई जाती हैं कि आप इस वर्ड को ऐसे लिखेंगे। ये इंग्लिश लर्नर जो होते हैं वो भी
यूटिलाइज होते हैं। मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक, सबसे अच्छे जो लर्नर होते हैं ये टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छी तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, इनके लिए जो अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, आपके पास बुक्स हैं, मैगजीन है, फ्लैश कार्ड्स हैं, इन्फोग्राफिक है, आर्टिकल्स ये पढ़ते हैं, डिक्शनरीज है, ग्लॉसरी है, क्योंकि इनके पास लॉट ऑफ आई मीन टू से कि लॉट ऑफ बंच होता है कि इनके पास नॉलेज का, कि ये इजीली रीड, क्योंकि ये रीड राइट होते हैं, रीड भी कर रहे होते हैं, राइट भी कर रहे होते हैं, नोट्स भी बना रहे होते हैं, तो इनके माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनका माइंड जो है वो नॉलेजेबल होता है, इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है क्योंकि बुक रीडर होते हैं ये। द लास्ट वन इज़ किनेस्थेटिक लर्नर, ऐसे बच्चे तो क्लासरूम में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको बनते मिलेंगे। हैव अ गुड मोर कोऑर्डिनेशन, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है एक दूसरे के साथ, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, विल टेक नोट्स की बिजी बट नॉट ऑफन यूज दैम, ये नोट्स बनाने में तो बिजी रहते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करते। हैज़ ट्रबल स्टेइंग स्टिल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक जगह पर बैठे नहीं रह सकते, ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में नॉटी होते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अच्छा, दे वॉन्ट टू स्नैक वाइल स्टडिंग, ये कुछ खाएंगे पियेंगे तो फिर ही लर्निंग कर सकते हैं क्योंकि ये किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। इनके लिए जो टीचर अपनी क्लास में स्ट्रेटजीज यूज़ करेगा वो इनकरेज स्टूडेंट टू ब्रेक ड्यूरिंग लेसन एंड मूव अराउंड, लाइक अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो क्लास में मूव करें। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उनको रिटर्न वर्क करवा रहे हैं और वो स्टूडेंट जो है वो क्लास में जो है वो मूव करेंगे। अलाउ देम टू स्टैंड और मूव वाइल रिसाइटिंग इंफॉर्मेशन और ओके, दिस इज़ किनेस्थेटिक लर्नर, इंक्रेज स्टूडेंट टू टेक ब्रेक ड्यूरिंग लेसन एंड मूव अराउंड, आप उनको अलाउ करें कि वो एक दूसरे के पास जाके बैठें और ड्यूरिंग इस दौरान जो है वो बच्चे जो है वो सीखें। अलाउ स्टूडेंट टू स्टैंड और मूव वाइल रिसाइटिंग इंफॉर्मेशन और लर्निंग न्यू मटीरियल, वो बोल रहे हैं तो बोल के जो है वो मूव कर सकते हैं, आप उनको गेस्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं, लाइक आपने एक थंब इशारा किया तो वेल डन, अगर आप बच्चों को साइलेंस करवाना चाह रहे तो आपने साइलेंस का जो है वो उनको गेस्चर्स दिखाया तो बच्चे जो चुप हो जाए, और अगर आपने उनको खामोश करवाने हैं, आपने फिंगर जो है वो लिप्स पे रखी और आपने उनको कहा और स्टूडेंट्स जो है वो साइलेंस हो गए, और ऑर्गेनाइज हैंड टास्क थ्रू एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करके जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, इनके जो रिसोर्सेज हैं उसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पपेट शोज उनको दिखा सकते हैं, फील्ड ट्रिप्स पे आप उनको लेके जा सकते हैं, आप उनको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स उनको दे सकते हैं, वो बहुत वेल जो है वो प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।